तुम्हें ऑडियो ऑडियो क्या करते हो तुम यार? मैं कुछ नहीं किया है वहां पर। नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी ये जो अर्श है निदान वह पढ़ रहे हैं माधव निदान से। तो आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो मैं आप लोगों के सामने माधव निदान का ये भाग लेके आता हूं। क्या है कि आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है, तो ना लोग ना देख के ऐसे बोलना चाहिए कि ये इतने श्रेष्ठ चिकित्सक है कि पढ़ाई करते हैं, इनको अहंकार नहीं है कि हम लोग बस डिग्री हो, हमें डिग्री मिल गई, हम बड़े डॉक्टर हो गए। और लोग ये बोलना चाहिए कि ये सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, और ऊपर से पढ़ने के साथ में श्रेष्ठ चिकित्सा भी करते हैं, और चिकित्सा भी एकदम परफेक्ट करते हैं, और पेशेंट एकदम ठीक ही हो जाते हैं इनके पास। ऐसा आप लोगों के बारे में लोग ऐसा हो जाना चाहिए, मतलब विश्वास हो जाना चाहिए पूरे समाज में। और हम लोगों को इसी तरह से आगे बढ़ना है, पढ़ना है, और हम ये बार बार पढ़ते रहेंगे। माधव निदान अभी नहीं, अभी हो रहा है ऐसा मत सोचिए, ये पूरा खत्म होने के बाद हम फिर से माधव निदान पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे हम लोग, जिससे हमारा चिकित्सा और परफेक्ट होते जाएगा। तो मैं एक मिनट आप सब लोगों को पहले म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि नए लोग जब भी ज्वाइन होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ फिर घर की आवाज आती है, तो मैं पहले म्यूट कर देता हूँ। और मैं ये जो श्लोक है ये पढ़ के फिर उसके बाद में हम लोग ना पूरा इस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने ये अर्श के देख लिया कि गुद में अर्श हो जाता है, और उसके सारे सिम्टम्स देखे हम लोगों ने, हेतु देखे, सिम्टम्स देखे, उसके बाद में साध्य साध्यता देखा। अब आ रहा है कि अलग अलग जगह में जब अर्श होता है तो वह क्या होता है, क्योंकि चरक संहिता में चरकाचार्य जी ने लिखा है कि गुद भाग के अलावा भी जहां अर्श होते हैं, मतलब मस से बाहर निकल जाते हैं, उसको भी अर्श कहा जाता है। इसी के बारे में माधव निदान कर क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं कि लिंगार्श इत्यादि, मतलब लिंग आदि में जब हो जाता है, पेनिस में जब हो जाता है, योनि में अर्श हो जाता है, तो वो किस तरह से होता है। तो ऐसे बता रहे हैं कि मेढ्राश्व्यपि वक्षन्ते यथा सोमनाभिजा नीच गंडोपदास्य रूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च। ये दो लाइन में इतना अच्छा टीकाकर बता रहे हैं, है दिखने में तो दो ही लाइन है, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि लिंग आदि में भी अर्श हो जाता है, इसके लक्षण आगे कहेंगे। दूसरा बता रहे हैं कि नाभि में भी अर्श रोग होता है, नाभि में जो मांस के अंकुर निकलते हुए कोमल लिबलिबे और आकार में केचुए के समान होते हैं, यह इन्होंने बता दिया। अब इसी को टीकाकार क्या बताते हैं वो देखते हैं। अथ मेढ्रजादि नाम लक्षण महामेढ्रादिष्वपि विशुत्यादि, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि मेढ्र आदि में जो अर्श हो जाता है उसको लिंगार्श कहते हैं, इसलिए इसको मेढ्रादिष्वपि इससे शुरू किया गया है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि मेढ्राश्वपि वक्षन थे यथा सौमित्य अंतेन छेदः, इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि आदि स्थानों में होने वाले, मेढ्र आदि स्थानों में होने वाले
बवासीर के लक्षण उन रोगों के अधिकार में लिखे जाएंगे, आगे आगे इसके बारे में बताया जाएगा। इसीलिए यथासोम जब बोल रहे हैं तो इसका अन्वय छेद कर लेना चाहिए कि नासा में, कर्ण में होने वाले बवासीर का भी ग्रहण हो जाता है, मतलब नाक नाक में भी जो पॉलिप्स हो जाते हैं, और उसी तरह से कान में भी पॉलिप्स हो जाते हैं, ईयर पॉलिप्स, उसको भी देखना चाहिए। और वो पॉलिप जो है एक तरह से वो अर्श ही है। नाभि में होने वाले बवासीर जो रहते हैं उसके मस्से प्रकार से अलग अलग जो अर्थवर्म रहता है, केंचुआ रहता है, गंडूपद, उसको संस्कृत में गंडूपद बोलते हैं, तो उसके समान चिपचिपे, लेसदार और कोमल होते हैं। यही इन्होंने बोला है, गंडूपदास्य रूपाणि पिच्छिलानि मृदुनीचा। वो पिच्छिल रहते हैं, चिपचिपे चिपचिपे रहते हैं, मृदु रहते हैं, जिस तरह से अर्थवर्म रहता है उसी तरह से वो पॉलिप की तरह वो नाक में, नाभि में, योनि में, अलग अलग जगहों पे रहते हैं। इसी को और टीकाकार ऐसे बता रहे हैं कि बवासीर गुदा के अतिरिक्त नाक में, कान में, लिंग आदि में हो जाया करते हैं। इसके बारे में आप लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, आप लोग बताएंगे अभी। इनके लक्षण स्थानानुरूप रहते हैं, जिस स्थान पर रहेगा उसके लक्षण थोड़ा अलग अलग रहते हैं। कई आचार्य इसे अधिमांस कहते हैं। इस विषय का पीछे अर्श की संप्राप्ति पूर्वक निर्देश द्वितीय श्लोक की व्याख्या में पहले कर दिया गया है। नाभि में होने वाले मत्स्य जो रहते हैं वे केंचुए के मुख के समान रहते हैं, जिस तरह से अर्थवर्म का जो मुंह रहता है उसी तरह से ये केंचुए के मुख के समान लंबोतरे, चिपचिपाहट युक्त और कोमल हो जाते हैं। गुदा के अतिरिक्त लिंग में, कान में, नाक में, मुख में, नेत्र में भी हो जाते हैं, और योनि में भी मत्स्य हो जाते हैं। इसका विस्तृत लक्षण इन इन लक्षण रोगों के अधिकार में दिए जाएंगे, मतलब वहां पर अच्छे से विस्तार से बताया जाएगा। अब यहाँ संक्षेप में यहाँ पर कुछ तंत्रांतर के निर्देश, आतंक दर्पण नाम का जो ग्रंथ है उसमें कुछ मतलब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दिए जा रहे हैं। ये बता रहे हैं संस्कृत में जो है वह बता रहे हैं कि अब ये जो हो जाते हैं अलग अलग जगहों पे तो क्या सिम्टम रहते हैं वो भी जानना जरूरी है। तो श्लोक में ऐसे बता रहे हैं कि दोषाशय प्रकुपिता मेड्रगे मास शोणिते प्रदुष्य कंडुहु कुर्वन्ति तथा कंडु युताम शतम तस्मिन् शते प्ररोहाः सुरमासजा रुधिर स्रवाः विनाशयन्ति शेफं ते घ्नयन्ति पुष्यन्त्वं सत्वरम्। अर्थात प्रकुपित हुए दोष मेड्र आदि लिंग के मांस और रक्त को दूषित करके जब मेड्र पे उग्र कंडु कर देते हैं, मतलब पेनिस के ऊपर बहुत ज्यादा खुजली आने लगती है, तो मनुष्य बरबस होकर खुजाता जाता है, और खुदे खुजाते लिंग में जख्म हो जाते हैं, और उनमें फिर मांस के अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें से रक्त बहता रहता है। इस प्रकार कभी कभी इतना रक्त बहता है, इतना पस फॉर्मेशन होता है और वह गल जाता है, मतलब पेनिस जो है वो गल जाता है, इतना ज्यादा वहां पैथोलॉजी हो जाती है या विकृत हो जाती है, मनुष्य नपुंसक हो जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिन लोगों को ऐसे हो गया था और उनका पेनिस ही डैमेज हो गया और वो नपुंसक टाइप हो गए थे। उसी तरह से अब योनि प्रदेश में भी होता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि, और यह आतंक दर्पण नाम का जो ग्रंथ है उसमें बताया है कि तथा योनोचते दुष्टा गंडुपद मुखानकृतिन दुर्गंधांशु कुमारांश पिच्छलां जनयंती थी इति। इस प्रकार दोष प्रकोपित होकर योनि पथ में जो मतलब वजाइना और सर्विक्स एरिया में हो जाते हैं, तब वहां केंचुए के मुख के समान आकार वाले दुर्गंध, कोमल और लेसदार अंकुरों को उत्पन्न कर देते हैं। तब इसका परिणाम भयंकर परिणाम होता है और वह आर्तव को नष्ट कर देते हैं, मतलब पूरा जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पे इसका ये रहता है, तो इसकी वजह से एमेनोरिया हो जाता है और आर्तव ही नहीं आता है, मतलब इतना मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति होती है। वहां पे अगर योनि में अर्श हो गया या योनि पथ में, मतलब या तो लेबिया मेजोरा माइनोरा इनमें हो गया या फिर सर्विक्स के एरिया में हो गया, तो वो मांसांकुर, तो उसके वजह से मेंसेस ही बंद हो जाते हैं क्योंकि पूरा मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। इसी तरह से बता रहे हैं कि ये कान में जब हो जाते हैं तब कैसे होते हैं, तो बोल रहे हैं कि तेरे वोर्ध्व गतेर दोष ही कर्णजार्शस्तु जायते बाधिर्यम शूलमत्युग्रम सततम कर्णपूतिता नेत्रजेषु। अब नेत्र में बता रहे हैं, नेत्रजेषु जलस्राव वेदना चाप्य दर्शनम अश्रुणाम जायते वर्तमान अरोधो अर्शसु संततम। मतलब ये बता रहे हैं कि जब प्रकुपित दोष ऊर्ध्व जत्रुगत जत्रुस्त कर्ण में पहुंचते हैं, तब कान में अगर होते हैं तो बहिरापन मतलब डिफनेस होता है, तीव्र शूल होती है, कर्ण में बदबू पड़ जाती है, बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है अगर कर्ण में अर्श हो गया है तो,
शूल भी हो जाएगा, कान में दर्द बहुत ज्यादा सिवियर होता है, इसी तरह से नेत्र में होता है। तो नेत्र में नेत्रजेषु सप्तमी बहुवचन है, दोनों नेत्रों में अगर हो जाए तो ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नेत्रों में हो जाती है, बहुत सारे जैसे अफ्रीका वगैरह में ये बहुत सारे कॉमन पाया जाता है। तो नेत्र में होता है तो जल स्त्राव होता है, पीड़ा होता है, अंधापन होता है, वर्त्म रोग हो जाते हैं पूरा। उसी तरह से नाक में अगर होता है, घ्राण जेशु प्रतिशाया कृच्छो श्वास शिरो व्यथा शवतु पुत्र वक्त्रम च वाक्यम स्याद अनु नासिकाम। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर नाक में हो जाता है तो प्रतिशय होता है, बहुत ज्यादा साइनोसाइटिस होता है, श्वासावरोध होता है, सिर दर्द होता है, छींके आती है बहुत ज्यादा, मुख में दुर्गंधी आती है, और मनुष्य जो रहता है वो ना बिना स्मेल वाला, उसको गुन्ना बोलते हैं, उस तरह का होता है, उसको कुछ सुंघने को ही नहीं आता है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि मुखार्षसु च कंठोष्ठ तालु मध्यक जन्मसु स्याद्वि गदगद वाक्यत्वम रसा ज्ञान मुखामया इति। इसका मतलब मुंह में अगर हो जाता है, अंदर ही अंदर, कंठ में, गले में भी हो जाता है पॉलिप, फिर होंठ में हो जाते हैं, तालू में हो जाते हैं, तब तो मनुष्य ठीक से बोल नहीं पाता है, उसका रस ज्ञान नष्ट हो जाता है, अन्य मुख रोग हो जाते हैं, और इसी तरह से नाभि में हो जाता है। तो नाभि में अगर हो जाता है तो अर्थ केंचुओं के समान मुख वाले लेसदार और कोमल हो जाते हैं। तो मुझे ये इन्होंने विस्तार से बताया, इतना चरकाचार्य जी ने भी नहीं बताया, इतना ये माधव निदान में बताया है कि ये अलग अलग जगह पे मस्से हो जाते हैं और उसके कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो हमें समझ जरूरी है और उस हिसाब से चिकित्सा भी करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 मिनट में अनम्यूट करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है, देखिए सुबह हमारी क्लास शुरू हो जाती है और रात को, रात तक ये चलती रहती है, और दिन भर पेशेंट देखना, तो प्रैक्टिकल भी हम लोग सीख रहे हैं और थेरोटिकल तो सीख ही रहे हैं। आप लोग एक बार अनम्यूट करके देखिए, आप लोग हो पा रहे हैं? डॉक्टर अंजना, मैं देखा है योनियार्श के पेशेंट, अगर देखा है तो कृपया बताइए सबको एक बार, मैं अनम्यूट करके देखता हूँ, अनम्यूट हो पा रहे हैं? नमस्कार हाँ जी सर, प्रभात जी बताइए सर। सर, इसका हेतु भी सेम है या इसके लिए अलग हेतु हेतु तो होता है? सेम रहता है, अर्श में अग्निमंद्यात अतिमल संचयात, और मासव स्त्रोतस की दृष्टि तो इसमें दिखती है, जी, मासव स्त्रोतस के दृष्टि के सारे हेतु मिलते हैं, जैसे अभिसंधि पदार्थ का सेवन करना, खा के दिन में सोना, और ये अर्श को उत्पन्न करने वाले सारे हेतु, ये सब तो दिखते हैं। जी सर, मैं नाभि अर्थ के बारे में बोलूंगा। मैं हाँ कुछ दिन पहले आपसे भी बात किया था, मेरा बेटा का एक ग्रेनुलोमा हुआ था नाभि में। जी वो एग्जैक्टली ऐसा ही था जैसा डिस्क्राइब किया गया है, चिपचिपा था, केंचुआ का मुंह सदृश था, सॉफ्ट था, रेडिश था। तो ये जैसा आपने बताया तो 15 दिन में वो ठीक भी हो गया। क्या दवाई दिए थे? अच्छा और जात्यादि तेल लगाया लोकली, और स्पिरिट लगाया, रवि सर ने बताया था, ये अल्टरनेटली लगाया, और खाने में वो AKT और सूक्ष्म त्रिफला दिया बस। जी, मतलब इतना अच्छा आपने डायग्नोज भी कर लिया और ठीक भी कर दिए, जी सर, ठीक तो हो गया, वही ठीक तो करने के लिए आपने बताया सर, आप लोगों ने वो बताया। ठीक है, लेकिन आपने ठीक कर दिया ना, वो बहुत बड़ी बात है। जी जी, सर, वही तो, कितना बढ़िया, डायग्नोसिस भी परफेक्ट और चिकित्सा भी परफेक्ट। जी, और किसी ने कुछ देखा है तो बताइए, योनियार्ष अगर देखा है, लिंगार्ष अगर देखा है, कान में, नाक में पॉलिप देखे हैं, तो वो उसके बारे में कुछ अनुभव है तो बताइए। प्रणाम सर। आजाल पॉलिप तो कौन फ्रीक्वेंटली बताएगा? दिखते हैं। डॉक्टर वर्षा जी आप बताइए। जी जी सर, नेदर योन्यार्श पॉलिप, वाली देखी है मैंने, उसको काफी सारे अर्श थे। जी मतलब कैसे थे वो और उसके क्या सर कॉम्प्लिकेशंस थे? जी वो तो पहले एक ही बार आई है मेरे पास, और उसको काफी सारे थे, और उसमें जो छोटे छोटे मस्से थे उसके अंदर देखने से वो ऐसे लग रहे थे जैसे खूब सारे जीरे चिपके हुए हैं, अच्छा मतलब एक मस्से में बहुत सारे जीरों का गुच्छा हो, इस टाइप के थे। फिर वो उसके में घर में कोई शायद घरेलू इलाज करके, वो चूने के पानी से करके आपने निकाला है। शायद भेजा था मेरे को फोटो, हाँ जी सर, वही तो वाली अभी है क्या आपके पास आपके मोबाइल में? फोटो होगी सर, लेकिन पेशेंट नहीं आई दोबारा।
हाँ अगर फोटो है तो वो भेजिए ना, यहाँ मैं आपको को-होस्ट बना दूँ, आप चेक करिए पहले, फिर मैं को-होस्ट बना देता हूँ, आप दिखा दीजिए यहाँ पर लोगों को, जी सर, अगर ढूंढ मिल जाए तो मुझे बताइए, मैं आपको को-होस्ट बना दूँ। जी सर, हाँ और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर पूजा जी, डॉक्टर कमल जी, आप लोगों ने देखे हैं तो बताइए। मैं बोलूँ सर हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ जी बोलिए सर, गुड मॉर्निंग जी बोलिए सर, रवि बोल जी, रहे हैं पहले क्या? आप बोलिए सर। जी हाँ सर, मैं ओके बोल सर। रहा था कि अलग अलग जगह के हिसाब से सर उसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे रेक्टल एरिया में है तो सर जो है रेक्टल पॉलिप है, और सही है सर वहाँ पे। इसके अलावा नेत्र में भी सर एक शब्द आता है लिंगार्स, हम लोग नाम सुना होगा, संभवतः शायद कैटेक्ट को कहते हैं क्या। और इसके अलावा जो आपने बताया सर जो है सिस्टम पर भी बताया आपने, तो वहां पर जो सिफिलिटिक कंडीशन होती है सर, वहां पर पेपिलोमा निकल आते हैं, तो वो भी उनका भी लोग कुछ कुछ अर्श की तरह रहता है सर जो है। ऐसे बहुत सारे केस हम लोग देखते हैं सर जो है कि जगह के हिसाब से उनका सिर्फ अर्श की तरह ही रहता है, लेकिन उनका नाम चेंज हो जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर वर्षा जी मिल गया क्या आपको? हेलो हाँ जी कमल जी बताइए। सर, मुझे पूछना था, आप जो नेजल पॉलिप रहता है और जो नासार्स रहता है, तो उसमें पेशेंट जब आते हैं हमारे पास तो प्रतिशय जैसे रहता है, तो डिफरेंशिएट कैसे करें और दोषों का विचार करके उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो सकती है कि ना? नेजल पॉलिप भी रहता है और कभी कभार नासार्स भी रहता है, तो उस टाइम पे पेशेंट को प्रतिशय तो रहता है, सिम्स कंजेशन रहते हैं भी ना, रहता अगर है उसमें पित्तज रहेगा पेशेंट तो को, दाह तो पाक रहेगा, दाह पाक रहेगा, अगर वातज रहेगा तो हाँ रक्तता रहेगा, और अगर कफज रहेगा तो फिर उसमें प्रतिशय तो बहुत ज्यादा रहेगा। हाँ तो हम नेजल पॉलिप में क्या करते हैं? आपने बताया थे नवसागर का, वो हम नस्य करेंगे, वो तो तो देते हैं, उस टाइम लेकिन पे नासार्स में नहीं। अर्श की ही हाँ, चिकित्सा करते अर्श हैं, का अग्नि बढ़ाते हैं डिफरेंशिएट और करना चाहिए अनुलोमन देते हैं। क्योंकि हम नासार उसमें भी अर्श की चिकित्सा ही बताई थी, लेकिन नस्य के लिए नवसागर का नस्य बताया था सर आपने हमें, हाँ तो इसमें अर्श में हम क्या सर नस्य कौन सा करे, तीक्ष्ण विरेचन करे या उसमें मांस पाचक मेद पाचक देके सूक्ष्मदर्शी फला सब और ठीक उनको इन्फेक्टिव ठीक है पैथोलॉजी आपका, बोले, जैसे मानो सब ठीक है आपका, हम सूक्ष्म सर लेते हैं, एक ठीक लेते नहीं सर, हम हैं जैसे जी सर। मानते हैं हेतु की अग्नि मानदेय हो, पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन हो तो हम अर्श मानते हैं, लेकिन जब ऊर्ध्व जठरगत हो तो उस टाइम पे हम स्त्रोतसों का विचार करके कौन सा स्त्रोतस दृष्टि और उसमें हेतु क्या माने पेशेंट का? हेतु मैं कैसे बताऊँ, हेतु आपको ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं सर, पेशेंट हर पेशेंट का हेतु अलग, लेकिन उधर हम अर्श को क्या मानते हैं कि अग्नि मानदेय है प्रॉपर होगा सर्वव्यापी वो मंदन है लक्षण इसलिए हमें बोलते जो हैं दिखता है उस हिसाब से चिकित्सा करते हैं, दिखता है। हाँ, वो सब दिखता वो है। ही हाँ डिफरेंशिएट, क्यों पेशेंट कैसे खाता रहता है तो, नेजल पॉलिप हो या वो प्रतिशय हो खाता रहता है, वो नहीं बताता कि हमें मंदाग्नि है या कुछ भी नहीं, पांडुता भी दिखती है उनपे तो भी पेशेंट नहीं बताता कि, तो उस टाइम पे हम अग्निमान दे उसका मानकर ही हेतु आगे ट्रीटमेंट करनी चाहिए ना सर, और हाँ सेम नेजल पॉलिक और नासार्स और नस्य सर कौन सा? वो बता दिया आपने, बताया नवसागर को पानी में घोल के उसका नस्य देते हैं, वो व्याधि प्रतिनिक हो गया। सर वो नेजल पॉलिक में आपने बताया था, लेकिन नासार्स में हम कौन सा दें? नेजल पॉलिप और नासार्स एक ही हुआ ना। सर वो तो मानो हम पॉलिप रहते हैं ना सर, तो वही पॉलिप को ही नासार्स बोलते हैं ना, कंफ्यूजन मत पैदा करे, वही रहता है, पॉलिप ही रहता है वो। ठीक ओके ओके सर, देखती हूँ मैं फिर, ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर वर्षा जी आपको मिला जी क्या? हाँ सर, मिल गया।
तो मैं आपको ये को होस्ट बनाया हूँ, आप दिखाइए एक मिनट, ये मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। जी सर, ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो मैं आपको सेंड कर देती हूँ सर, आप ही शेयर कर लीजिए। मेरे को नहीं, यहाँ पे दिखाना है, एक मिनट रुकिए, यहाँ मेरा शायद मुझे जाना भी पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो मेरा ये बंद हो रहा है। जी सर, ये ना मेरा जूम पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आप तब तक बाकी लोग बोलते रहिए, अगर मैं जाऊंगा तो मैं फिर से मुझे होस्ट बना दीजिएगा, यहाँ कुछ तो मेरा जूम में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ डॉक्टर कंचन जी, आप बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। मैंने तो सर बस गुदार्श और नासार्श वाले देखे हैं, बाकी अर्श के मैंने नहीं देखे, पर जैसे वो मैडम ने जो योनियार्श का भेजा था पिक्चर, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था पेशेंट। पर सर नासार्श में ये जो मैडम पूछ रहे थे ना कि प्रतिशय और इसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि प्रतिशय वाले जो साइनोसाइटिस वाले पेशेंट होते हैं, तो उनमें जैसे कि छीक छीके आना या जैसे पूरी प्रतिशय वाली लक्षण दिखते हैं, पर नासार्श अगर है तो उनमें मेनली नेजल ब्लॉक की कंप्लेंट करते हैं कि एक साइड का कोई नॉस्ट्रिल बंद है। अगर उनको हम अनुलोम विलोम कराए जाए, मतलब एक नाक से सांस लेके दूसरी नाक से छोड़ने के लिए बोले, फिर से उल्टा करे, मतलब उसी नाक से फिर से सांस लेके दूसरी नाक से छोड़े, तो उनमें वो जो नोज ब्लॉक है वो साइड से वो सांस ले ही नहीं पाते। एक्चुअली उनका जो ब्रीदिंग है वन नोस्ट्रिल से ही होता है, वो जितना पॉलिप बड़ा है उतने हिसाब से वो सांस ले पाते हैं, मतलब कि अगर 70% वो ब्लॉक है तो 30% वहां से जाएगा एयर, पर अगर पूरा ब्लॉक है तो वो बोलते हैं कि मैं अगर सो रहा हूँ तो मेरा पूरा नोज ब्लॉक हो रहा है वो पॉलिप की वजह से। सर ऐसे पेशेंट देखे हैं सर, और उनमें मोस्टली जैसे आप बोलते समय उनका जो आवाज होता है वो जैसे नाक से बोल रहे हैं ऐसे लगता है, थोड़ी आवाज में भी चेंजेस आते हैं उनके। एक सर फिजियोथेरापिस्ट थे मेरे पास, 5-6 साल पहले वाली बात है, उनको ऐसे ही हुआ था, तो वो तो पूरा डायग्नोस केस आया था मेरे पास कि नेजल पॉलिप है करके, उनको सर्जरी करने बोला था, पर काफी अच्छे से रिकवर हो गया, वो अभी भी आते हैं, उनका आवाज भी एकदम नॉर्मल हो गया सर। पर कभी कभी उनको प्रतिशय की कंप्लेंट रहती है, पर एकदम नॉर्मल जैसे सीजनल होती है ना उसी टाइप में, पर काफी अच्छे से रिकवर हो जाता है पेशेंट। थैंक यू सर। सर दिख रही है स्क्रीन पे? हेलो मैम। यस मैम। बोलिए मैम। यही है योनियार्श का, यही पेशेंट आई थी मेरे पास, तो अब इसका क्या कंप्लेन कुछ नहीं थी मैम, बस ऐसे ही लेके आई थी, इसमें ना तो उसको दर्द हो रहा था कुछ नहीं हो रहा था, बस ये हो गए हैं। और उसकी एज थी 20-21 ईयर्स, और न्यूली मैरिड थी वो, 1-8 साल ही हुआ था, उसके बाद हुए हैं, शादी के बाद हुए हैं उसको ये। इचिंग वगैरह कुछ नहीं था? पेन इचिंग नहीं? नहीं कुछ भी नहीं था। तो कोंडाइलोमेटा है ना मैम? जी मैडम, कोंडाइलोमा लग रहा है तो। वही है। I think it is viral infection. ये तो, हाँ ये तो सर वैसे भी sexually transmitted ही होता है। जी जी जी। तो maybe उसके husband को पहले से रहा होगा। उसके husband को तो नहीं था, पर मैम आया था वो भी साथ में। नहीं, उनको पहले viral infection होगा कहीं से। अच्छा, ये योनियार्श नहीं है मतलब? नहीं मतलब आयुर्वेद के हिसाब से योनियार्श हुआ मैडम। But as per modern textbook, it is condyloma. हाँ पर जी। पर इसके line of treatment मतलब हम तो आयुर्वेद में जैसे अभी सर ने बोला वैसे करेंगे, पर modern modern के अनुसार क्या बोले आप? Condyloma. Condyloma. Condyloma है, ये viral infection होता है मैडम। तो as per modern तो antiviral चलेगा। हाँ सेम देखा था मैंने भी when I was doing my internship ना, तब मैंने देखा था। तो वो भी ऐसे था, नियरली वेड थी वो लेडी, और उसका हस्बैंड जो थे वो कुछ सरपंच वगैरह ऐसा कुछ थे, तो उसके हस्बैंड को भी था, तो फ्रॉम हिम ही शी कैरिड। रवि सर, इसमें शस्त्र कर्म ही बोलते हैं क्या,
या फिर यहाँ पे अग्निकर्मा तो बहुत मुश्किल है मैम, उसको तो यहाँ पर छार लगाए मैडम ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ सर, उसका भी उन्होंने, क्योंकि तब तो मैं एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने सर वो सोप्रामाइसिन लगाते थे मार्जिन के आसपास और उसके बाद उसको पोडोवार्ट से टच करते थे हर सेटिंग में। जी सर। मैंने उसको एक हफ्ते की मेडिसिन दी थी यर्ष की चिकित्सा लगभग और दीपन पाचन, और उसके बाद बुलाया था कि क्षार कर्म करूंगी तो वो आई ही नहीं। चूने के पानी को लगाने से भी ठहर जाते हैं क्या? हेलो मैडम, एक्सपीरियंस तो नहीं आता है पर ये क्षार तो है ही है चूने का पानी। जी मैम, चूने के पानी को उसमें ना सोप चूना होता है ना जो ये खाते जर्दा जी। जर्दा खाने वाले जो हाँ। होते हैं ना, वो उसमें से थोड़ा लिया और थोड़ा उसमें सौप मिक्स किया, सौप सौप कुछ भी, और वो लगा एक पॉइंट, मतलब पूरा बड़े ध्यान से लगाने, सिर्फ उसी के ऊपर ही लगना चाहिए, और वो 3-4 डेज के अंदर ही सारा का सारा मतलब वुंड बन जाता है, अपने आप ही हो जाता है, फिर उसकी वुंड की चिकित्सा करते हैं। अगर आप इसको कट करते, हाँ इसमें वैसे तो ये लेजर से करते हैं, जितना आप लेजर कराएंगे उतना ये ज्यादा से ज्यादा होगा। और जी सर, इसमें एक ना होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम करती है, वार्ट्रेक्स ड्रॉप, वार्ट्रेक्स। हाँ सर, मंगा के मैंने रखी थी उसके लिए वार्ट्रेक्स भी, तो आई ही नहीं है वो पेशेंट। हाँ वार्ट्रेक्स ड्रॉप ना, मतलब मैंने एक पेशेंट था, वो फॉरनर था, वो लेडी फीमेल पेशेंट थी, उसको उसने कई बार लेजर भी करा लिया था और मैंने उसको दिया था, उसी के बाद मेरे को पता लगा इसका बहुत मैजिक रिजल्ट है, फिर उसके बाद तो बहुत सारे लोगों को ठीक किया। कहीं पे भी ऐसा रहे तो मैं देता हूँ, ये फेस पे रहे, कहीं पे भी ऐसा रहे। पीने का दवाई है, 15-15 ड्रॉप दिन में 3 बार पीना है और लगा भी देते हैं उसको। जैसे पास टैबलेट है उसकी, 15-15 गोली खाना थी। हाँ, तो उसमें वार्ट्रेक्स का भी ये बेनिफिट रहता है, जैसे हम ना क्षार कम करते हैं ना तो जख्म बनता है, वार्ट्रेक्स से जख्म नहीं बनता, अपने आप अंदर के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो ये सब वायरल इन्फेक्शन है। इसमें मैडम क्षार सूत्र लाइगेशन भी एक ऑप्शन है अगर फिजिबिलिटी। जी सर, लाइगेशन भी करते हैं कई लोग, तो अग्निकर्म बहुत सारे सारे करते हैं, अच्छा अक्षार कर्म अग्निकर्म अकॉर्डिंग जिसकी जिसकी जो वो रहता है। सर मेरे पास एक पेशेंट एनल वार्ड का, उसके बहुत ज्यादा है तो कर ठीक भी नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट तो चल रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा है उसके, तो मैम हम तो अभी यहाँ पे अलग तरीके से आज समझ में आ, जैसे पोलिप को भी अर्श में डाला है, तो पहले तो हमें इतना नॉलेज था, हम तो जीर्ण प्रतिशा की चिकित्सा करते थे उसकी, पोलिप वाले पेशेंट की, स्टीम देना, नेजल ड्रॉप डालना, और जैसे आयुर्वेद में हमने जैसे बार बार रहता है, रिकरेंट रहता है, उसमें लक्ष्मी विलास रस डाल लिया, श्रृंग वसन डाल लिया, प्रवाल पिष्टि डाल ली, सीत प्रहलाद डाल लिया, और ऐसे ऐसे करके चिकित्सा देते थे, उसमें भी बेनिफिट होता, पर एक नई जो चीज एग्जैक्टली समझ में आए उसको उसी एंगल से देखे तो मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सर एक मेरी और एक पेशेंट है, उसको गले में ऐसे दर्द भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज बदल गई है और थोड़ी हल्की हल्की खांसी आती रहती है, और क्या होता है मतलब उसको ऐसा लगता है जैसे गला बैठ गया है। एज बहुत दिन हो गए सर वो ऐसे एजिथ्रोमाइसिन हो गए, एज है 45 के आसपास, 41-45। उसको कोई ऐसे हिस्ट्री है एलर्जी वगैरह की, जैसे छींके मारना ये मतलब जैसे सीजनल ब्रोंकाइटिस जिसको हम बोलते हैं, सीजनल एलर्जी धूल से मिट्टी से मौसम चेंज होने से, ऐसा है क्या उसको? जी जी नहीं नहीं है सर। और थायराइड? थायराइड भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको वैसे देखा जाए। अच्छा मैम, स्कोपी किया है क्या उसका कभी? आवाज बदल रहा है ना बोल रहे हैं, लैरिंगोस्कोपी? हाँ नहीं किया मैम।
वो देखना एक बार पड़ेगा ऐसे होता है ना, जैसे कोई जैसे ग्रोथ सीखा वगैरह ना तो कुछ, नहीं है क्या? निजन रहता है नमाज वगैरह संपूर्ण जी मैम यहाँ पे इजीली होता नहीं है, बिलासपुर जाना पड़ता है तो कोई पेशेंट जाते ही नहीं। नहीं, सब कुछ हो गया है तो वो एक चेक करके देखिए कोई लीजन है क्या उधर। कभी कभी गिलने में आवाज बदलने का ये भी कारण होता है, कोई मास वगैरह होगा तो। तो उसको उसके निगलने में कोई दिक्कत दो नहीं तीन होती कारण है होते हैं मतलब? मैम, निकलने में कोई जी दिक्कत नहीं होती। जी ना हो फिर भी आवाज बदलता है ना। मैंने एक पेशेंट ऐसे ही देखा, उसने निगलेक्ट किया, फिर एक लीजन आ गया था उसमें, और फिर वो जी बाद में वो कार्सिनोमा ही था पता हाँ चला। मैम, जैसे हाँ मैं आपको ये वही वही पॉइंट आउट करना चाह होने रहा हूँ। होंगे ये था जी वो सर, तो। कल भी ये डिस्कस हुआ था ना कार्सिनोमा का, इसीलिए मुझे और ज्यादा लग रहा है। जी मैम, मैं भी यही उसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। जो सीए थ्रोट वाले पेशेंट होते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है, उनका हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो जाता है, और जैसे लिक्विड डाइट इजीली से चला जाता है। वही मैम कह रहे हैं ना, वो निगलने में तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर सीए थ्रोट की प्रेजेंटेशन भी ना स्टार्टिंग यही होती है। दो मैंने बेसिकली यहाँ पे दो तीन टाइप की, जैसे जिनको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस रहता है, टॉन्सिलाइटिस रहता है, उनको ऐसा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वो दूसरा नॉर्मल प्रेजेंटेशन सर लेके आते, कुछ नॉर्मल है सब नॉर्मल, फिर लास्ट थॉट मैंने यही दिया नहीं कि यही मैम, उसको होगा। पूरा पूरा हिस्ट्री निकालो तो आपको समझ में आता है, टाइम लगाना पड़ेगा पेशेंट को ना, हाँ कम से कम नहीं नहीं बराबर सर, हिस्ट्री निकाला पर हमको है ना लगता है कि ये किया है वो किया क्या, तो फिर बोला कि ये कर लो बाबा, एक यही बचा है ये करना चाहिए, देख लो ये करके सब कुछ बहुत दिया। ध्यान बड़े ध्यान से ना पेशेंट को, तो ऐसे हो ना मैम, एक बार आपको कह दिया, एक बार आपने क्वेश्चन किया उस टाइम ना ना बोल दिया, थोड़ी देर के बाद आप उसकी थोड़ी सी और बीमारी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कहता है फिर उसको बोलने लग जाता, हाँ हाँ मुझे ये भी होता वो भी होता है, मतलब पेशेंट को बड़ा शांति से प्यार से बैठा के बड़े उससे ना थोड़ा अच्छे से हिस्ट्री, जो जो डॉक्टर अच्छे से हिस्ट्री लेता है, मैं सोचता हूँ वो ज्यादा बढ़िया चिकित्सक होता है। पवन सर नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ जैसे आप अभी बता रहे हो ना, एक हमारे पेशेंट थे तो उनको यही होता था कि होशनेस थी और बोलने में दिक्कत होती थी और आवाज फट जाती थी, और साथ में वो जैसे ऐसे करना बार बार बोलने में, बोलते आती थी उनको। फिर जब ENT पर उनको भेजा गया और उसके बाद उसके अंदर एक छोटा पॉलिप था, पॉलिप को उन्होंने हटाया मतलब सर्जरी से, और जब उसका हिस्टोपैथोलॉजी कराया तो वो कैंसरस था। तो फिर वो जो है वो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट जो फॉलो अप होता है कीमो वगैरह वही ले रहे हैं। होशनेस ऑफ वॉइस को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, बिल्कुल सही कह रहे जी मैम, जैसे हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग है, ये मतलब 50%, मोर देन 50% यही प्रॉब्लम होती है सीए थ्रोट वाली। या फिर क्रॉनिक कफ की अगर आ रहा है ना तो भी, क्योंकि फॉरेन बॉडी की तरह वो पॉलिप काम करता है और बार बार जो है वो ऐसा लगता है कफिंग सी पेशेंट को भी आती है, तो जी हमेशा मैम वो ऐसा हो रहा है, उसको खांसी आ रही है लेकिन सूखी खांसी टाइप की रहती है, हल्की हल्की उसका कहना है। जी और चिल्लाने के लिए बोला ना, जैसे मतलब हम बोलते हैं कि टंग बाहर करके आ चिल्ला, तो उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, बहुत कम जी ऐसे। कई बार मैम ऐसे भी होता है, कई लोग ना जैसे उनमें जैसे उद्रव उसमें ना वात का ज्यादा प्रकोप हो जाता है, जैसे ज्यादा लोग कहीं सिंगिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो बोलने से वहां पे हम थोड़ी सी बात चिकित्सा भी करते हैं ना, तो भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। कई बार जैसे ना एक्यूट फेज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ए क्रॉनिक फेज की बात कर रहा हूँ, क्रॉनिक जैसे अगर हो दिन जाता है चाली महीनों वाला ऐसा। सर हाँ तो ओवरऑल करा ही लेना चाहिए, मतलब ये कि इनिशियली तो जैसे थोड़ा सा भी कुछ भी हो रहा है तो एक बार चेकअप करा ही लेना चाहिए कि वो क्रॉनिक उसमें जाए ना। लेकिन वैसे जी हर हर केस को बिल्कुल बहुत डेंजरस है ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन अगर वो जी क्रॉनिक हो गया है और या पेशेंट की प्रेजेंटेशन एक ऐसा लेकर आया मुझे इतने महीने से ये हो रहा है, तो फिर ओवरऑल बिल्कुल करा लेना चाहिए। हाँ मैम, अगर क्रोनिक हिस्ट्री लेके आता फिर तो हमें सोचना ही चाहिए। बाकी एक्यूट फेज में आता, जैसे किसी के घर शादी होती है, बहुत सारे लोग सिंगिंग करते हैं लेडीज, या उसमें जैसे कई बार गर्म पानी पी, कई बार ठंडा पी लिया, कई बार गर्म, तो उसमें भी बड़ा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है और वो बड़ा दिक्कत करता है उसी उसका। एक्यूट फेज में भी कई बार हमें कई बार क्रॉनिक लक्षण होते हैं, वो
वो एग्रीवेट हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला ये फैक्टर ज्यादा गाना बजाना, उससे उसमें भी फिर भी हमने सारे पहलुओं पे सोचना चाहिए, हमें एक चीज पे क्यों सोचे, ठीक है ना। पेशेंट को दिमाग में सारी बातें डाल देनी चाहिए, अगर ये दवाई दे रहे हैं अगर इसमें 5 दिन में ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो और इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे, ऐसा बोलना चाहिए। उसमें हमें ना ज्यादा यस मिलता है, भी डॉक्टर ने बताया था ऐसा भी हो सकता है, वो निकल जाए तो हमारे ऊपर उसका ट्रस्ट हो जाता है। पूजा अकुला मैम ने डाला है कुछ इसमें एनल वॉट्स हैं ये करके, तो ये कौन सी किस पिक के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी मैडम ने शेयर करी है? हाँ मैम उसी का होगा शायद, वो योनी अर्श था मैम। ये तो योनी के ऊपर है ना, मतलब योनि क्या मानेंगे, वजाइनल वजाइनल पेरिनियम के ऊपर दिख रहा है ना ये मैम, मैंने अच्छे से अभी देखा नहीं, मैं देख रही हूँ। अच्छा केवल केवल औषध चिकित्सा से ये हो जाएगा क्या, वो किसी का एक्सपीरियंस हो तो? रवि सर कौन सा, हम ये योनियर्स वाले की बात कर रहे हैं जी? ये केवल मतलब जैसे केवल मैम मैं बता रहा हूँ ना, जो वार्ड्स मैंने वार्ड्रेक्स ड्रॉप दिया था जो उस इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम, सभी लोगों को हो जाता है, मेरी चिकित्सा उसमें कभी आज तक फेल हुई नहीं। मैं उसको बल्कि ना वार्ड्रेक्स को ना युक्ति संगत देता, क्योंकि उसका प्रिंट तो रहता कम 120 के करीब रहता है, तो लोग सोचते हैं 120 की दवाई में क्या फर्क पड़ेगा, मैं उसको ना खोल के किसी दूसरे में पैक करके देता हूँ। मैं बताता हूँ भी स्पेशल दवाई बनाना पड़ेगा, बस स्पेशल आएगी तब लोगों को थोड़ा सा पैसे भी लेना, उनको दिमाग में आता है भाई ये अच्छी दवाई है तो उसको लेते भी अच्छे से। कई बार लोग इधर उधर से इलाज करा के आते इतने महंगे महंगे और हम उसको देकर 120 रुपये ले लें तो उसको फिर वो जमता नहीं है, मैं इसको खाऊंगा क्या पता फर्क पड़े ना पड़े, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इसके अंदर जितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन होती है, इस पर मुझे जो पता है, मेरी फ्रेंड एक होम्योपैथी है डॉक्टर, तो वो सारी कुछ ना कुछ आयुर्वेदा की मतलब जड़ी बूटी से बनी होती है। तो पवन सर मैम हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, बेस तो सारी सारी दवाइयों का क्रियोड ड्रग्स ही होता है ना, जो भी एलोपैथी वाले साल का तो एलोपैथी वाली मेडिसिन वो कौन सा अंबर से आई है, वो भी हमारे आयुर्वेद की है, चाहे हम खनिज पदार्थ से लगा लो चाहे एक एल्कलॉइड्स जैसे एक्सट्रैक्ट करके, हम तो जैसे करो हम तो ड्रग्स को चूर्ण बना के दे देते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट फाइटोकेमिकल्स निकाल के मैम वही तो दवाइयां बनती है, और वो कहाँ से आती है, वो भी तो यही तो है ना। अब जैसे डिजोक्सिन एलानोक्सिन टेबलेट आती है, वो डिजिटालिस रहता है उसका, बहुत सारी मेडिसिन ऐसे है जो बहुत सारी क्या सारी मेडिसिन का बेस ही आयुर्वेद है, क्रूड ड्रग्स है, प्लांट्स है, ट्री है, खनिज पदार्थ है, मेटल्स मेटल्स कौन से अपने में होते नहीं है। अब जितनी मैम जो इसमें होता है कैंसर की जो वो होता है वो गोल्ड प्रिपरेशन होती है, तो हम कौन सा स्वर्ण प्रिपरेशन यूज नहीं करते, वो भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं जी जी। हमारे द्रव्यगुण की जो बुक्स उसमें कई जगह में टिंचर बनाई हुई है। हाँ, वो ऐसे ना उसमें जैसे सिनकोना आता है इसके अंदर होम्योपैथी के अंदर, क्लेंडुला आता है, सिनकोना आता है, आप कोई भी मेडिसिन का नाम डाल के देखे तो वो प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट होता है, कोई भी मतलब 99% मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ किसी भी। अब जैसे ये बर्बरिस दवाई है तो उसी के ही तो मैं पाषाण भेद का पत्थर चट्टे का बर्बरिस वल्गरिस तो ये हमारे ये जो आपने यूज करी है इसमें कौन सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है? इसमें मैम कई साल्ट होते हैं एग्जैक्टली, तो मेरे को नाम है मतलब ध्यान नहीं, मैं कभी साल्ट पे गया नहीं भी इसमें क्या क्या होता है, मैं अभी ना अभी एक मिनट में बता देता हूँ जो अभी एक्सप्लोर कर। पूजा अकुला मैम ने चैट में डाला है कि वो गलती से एनल उनसे टाइप हो गया और उनका माइक काम नहीं कर रहा, और उन्होंने कुछ चिकित्सा इसमें बताई है कि उन्होंने सभी लोग पढ़ी रहे होंगे खैर कि मांस पाचक कांचनार गुक्कुल शार सूत्र कर सकते हैं, या पहले शार सूत्र करें अकरेंस नहीं होगा
उसके बाद फॉलो अप में शायद कांचनार गोकुल मांस पाचक 3 मंथ्स दे जी। मैंने इसको पहले ग्रुप में भी शेयर किया था, तब किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे, फिर खैर वो आई भी नहीं वो पेशेंट, तभी मैंने ये वार्टेक्स और थूजा भी मंगा लिया था। सर ये जो फेशियल गले वाले के पास जो मस्से होते हैं उसमें दे सकते हैं इसको? पवन सर, पवन सर आपसे सवाल है। मैडम कई बार थूजा यूज करते हुए आते हैं पेशेंट्स, या तो थूजा लंबा चलता है या पता नहीं, मुझे दिखा नहीं जी, जी मैम बताइए क्या करें। ये जो मस्से हो जाते हैं कहीं पे भी उसमें दे सकते हैं वार्टेक्स? जी मैम वार्टेक्स से बहुत सारी मैं उसमें स्किन पे जैसे स्किन टैग में थूजा का यूज होता है। थूजा तो इनमें मेन इंग्रेडिएंट्स रहते ही है, थूजा हो गया, कास्टिकम हो गया, और जैसे तिल भी हो जाते हैं, तिल जिसको बोलते हैं ब्लैक ब्लैक्स, उसमें भी वही हो जाता है। फ्रैकल्स होते हैं मैम स्किन पे ना, फ्रैकल्स जैसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, उसमें भी थूजा का बहुत अच्छा रोल रहता है। बेसिक जो ड्रग ऑफ चॉइस है होम्यो में तो यही रहती है। अब थूजा का मैं बोटनिकल नेम एक बार मैं इसका निकाल के ना फिर मैं देखूंगा उसमें ये कौन से उससे होता है। जी सर, हाँ तो सर अगर टेबलेट फॉर्म में है तो तिल वाले? जी मैम आप पूछिए मैम। हाँ तिल, या तिल में दे सकते हैं थूजा की टेबलेट? जी मैम जी मैम दे सकते हैं उसमें तिल में देते थूजा की। मैं तो मैम टेबलेट फॉर्म में कम ही देता हूँ, वैसे मैं ना थूजा ड्रॉप ही देता हूँ पीने के लिए, और वो 15-15 ड्रॉप रहता है, इजी भी रहता है लेना। और इसमें वाटरक्स का जो आता है ना इसमें लगा भी देते हैं, और उसमें है मैम थूजा भी है, उसमें कास्टिकम भी है। कास्टिकम मैम जैसे हम अक्सार नहीं बोलते, अक्सार कम कर दिया, तो जितनी वाटरक्स वो भी आता है लगाने का भी आता है, उसमें भी यही रहता है। सर वो ड्रॉप किससे लेना है, किसमें डाल के? 50-50 पानी में डाल के, पानी में डाल के, पानी में डाल के। ओके और सर कब कब लेना है, खाने के बाद, खाने के पहले? खाने से पहले लेना हो तो होम्योपैथिक, खाने से पहले या खाने के घंटे बाद। सर बच्चों में भी दे सकते हैं क्या वो? बच्चों में मैं कभी, हाँ उसमें दे सकते हैं, डोज क्वांटिटी कम रहती है, कम करके वेट अनुसार। हाँ वेट अनुसार नहीं, उसमें जैसे हाफ हो जाती है वे, उसमें वेट नहीं होता मैम, उसमें ऐसे होता है 1 से 3 3 से 5 साल के बच्चों के लिए इतनी, 15 साल के एडल्ट्स के लिए इतनी, वो उसी पॉइंट्स उसे वो कैलकुलेट करके। सर मार्केट में कौन से कंपनी का आता है थूजा ड्रॉप माने तो? थूजा सारी कंपनी का आता है मैम, रैकवेग कंपनी का भी आता है, बैक्सन कंपनी का भी आता है, हर किसी का आता है। जो ये वार्ट्रक्स रहता है तो मेडिसिन कंपनी का है। ओके ठीक है। और कभी भी मैम ऐसे ड्रग, कभी भी ऐसे ड्रग नहीं देने का पेशेंट को। नहीं नहीं उसमें क्या नहीं। दिया उसमें आप ना हमारे तो देखो हम भी, वैसे मेरी तो ये थ्योरी रहती है भाई हम मरीज ठीक होना चाहिए कोई भी पैसे से करो। हाँ। और मरीज को पैसे कम लगना चाहिए, ठीक है ना, और पैसे कम लगना चाहिए और जल्दी ठीक होना चाहिए, और साइड इफेक्ट लेस पैथी होनी चाहिए, जो मेडिसिन हम दे रहे वो साइड इफेक्ट कम होना चाहिए। मैं तो ऐसा सोचता हूँ भाई करो जिसमें भी, और मैं तो यही सोचता हूँ सारे का बेस ही आयुर्वेद है, चाहे एलोपैथ हो चाहे जो मर्जी हो, ठीक है ना। जैसे जैसे सर्जरी के भी हम ही है, सब चीज के हम ही है, तो ऐसे ही सर्जरी भी हमारी देना, ऐसे ही एलोपैथ की ड्रग और ये होम्यो की ड्रग ये भी हमारी ही देना है, आयुर्वेद वालों की, जड़ी बूटियों से ही बनता सब कुछ। पवन सर वर्टेक्स को कॉर्न या कैलस में अप्लाई किया जा सकता है? हाँ सर उसके लिए मैजिक रिजल्ट उसके लिए है ही, उसके लिए इंडिकेटेड है वो। अच्छा अच्छा वो ओरली क्या देना चाहिए? ओरली के लिए तो है सर वो पिलाओ भी और लगा दो भी, उसका वो भी आता है ना ऑइंटमेंट भी आता है। अच्छा अच्छा ओके, वो ड्रॉप्स वाला ओरली देना है और ऑइंटमेंट को लोकली लगा। हाँ ऑइंटमेंट मैं तो ऐसे ही करता हूँ सर, ड्रॉप को ही लगा देता हूँ, उसको बोलता हूँ ये बूंद लगा भी लेना और पी भी लेना। सर वो पैर में कौन आते हैं उसमें भी वो लगा सकते हैं ना थ्रू जॉइंटमेंट? जी 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 जी
बिल्कुल लगाते हैं मैम, और उसका फायदा भी होता है। और वो ड्रॉप्स भी लगा सकते हो पैर पे, वो थूजा का? हाँ, अच्छा, वो थोजा का तो ड्रॉप, मैं थोजा कम यूज करता हूँ उसमें ना। थोजा एक तो रैक वैक कर ले तो महंगा पड़ता है, वो 10 ml का ही 100-120 रुपए का। ये 30 ml का मेडिसिन का, वो भी 120 रुपए का। अब 10 ml दवाई ले तो मेरी इससे कहे 300 रुपये दे, 250 रुपये दे, तो वो जमती नहीं बात 10 ml दवाई दे के। 30 ml दे तो उसको भी कुछ लगता है। और मैं ऐसे भी करता हूँ मैम, दो बना लेता हूँ उसका। मैं कह देता हूँ 10 बूंद इसमें से, 10 बूंद इसमें से। मरीज को ये अच्छा, लगता है दो दवाई मिक्स करके दिया डॉक्टर ने। बराबर है। ये अब अपनी स्ट्रेटजी होती है। पवन सर, अंजना मैम है यहाँ पर, तो एक बार उनसे पूछते हैं कि अगर इस तरीके का केस आता है तो वो क्या करती है। पूजा अकला मैम ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हम जी मैम, वो लोग है तो वही रक्त वाले, वही उस वाले चिकित्सा, रक्त पाचक वाला जो हम देते हैं, रक्त पाचक और वो मांस पाचक वाला, ये फंडा। मेरे हिसाब से मैडम कुछ जैसे मेरे दिमाग में जो मेडिसिन आ रही है, जो हम लोग स्किन डिसऑर्डर में देखते हैं, गंधक है, स्वर्णगैरिक है, रसमाणिक है, दीपल पाचन है, माँ मंजधारी क्वाथ है, सारी वाद्यासो है, और लोकल अप्लीकेशन में क्षार अप्लीकेशन, क्षार सूत्र अप्लीकेशन, अग्निकर्म, ये हम कर सकते हैं। बाकी और कोई वैद्य गण बताना चाहेंगे? नमस्कार सभी लोग को। एक्चुअली सर बॉस नमस्ते, सभी लोग को नमस्कार। मैं एक बार, अभी नमस्कार, मैं यही देख रही थी, मेरे पास भी ना प्रणाम मैम। एक जी प्रणाम, मेरे पास भी एक पेशेंट थी, प्रेग्नेंट पेशेंट थी, और अभी मुझे लग रहा है वो 6-5 महीने पहले आई थी, और उसको ना बहुत सीवियर जो है, जैसे मैडम ने अभी ये पिक दिया है उसी तरह से था। तो वही हम लोग पार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था, तो वार्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फिर, क्योंकि पेशेंट की प्रीशियस प्रेगनेंसी हुई थी और पेशेंट बहुत दूर से मेरे पास आई थी, तो मैंने उसमें टॉर्च टेस्ट पहले कराया था। तो जैसे हम लोग सभी लोग कह रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें रूबेला भी पॉजिटिव था, सीएमवी भी पॉजिटिव था, और टॉक्सोमलाजमा भी पॉजिटिव था। और उसके बाद उसका जो साइज था वार्ड का, वो थोड़ा सा बड़ा भी था, इससे थोड़ा सा बड़ा था। तो उस समय तो, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम लोग बहुत ज़्यादा क्षार कर्म नहीं कर सकते और उस तरह की औषधि नहीं दे सकते हैं, तो जैसे अभी बात चल रही है, हमने लोकल ही लगवाया था उसको। लोकल में हमने, जैसे क्योंकि प्रेगनेंसी उसकी उस समय 28-29 वीक की हो गई थी, तो मैंने लोकल में थोड़ा सा इसमें गंधक मिलवाया था और टंकण मिलवाया था, और थोड़ा सा जो है गिलोय सत्व भी मिलवाया था, और उसके साथ शंख मिलवाया था। और उसके बाद उसका जो धावन हम लोग वही पंचवल्कर से करवाते थे, उसको कहते थे कि पंचवल्कर से दिन में 3 बार 4 बार धावन करिए और उसको लगाइए, और प्रेगनेंसी के बाद ही हम इसको जो है सर्जरी करके निकालेंगे। तो पेशेंट को वो काफी रिड्यूस हो गए थे, लोकली रिड्यूस हो गए थे, लेकिन उसको फिर हमने एंटीवायरल थेरेपी पर रखना पड़ा था, क्योंकि उसका बच्चा भी सफर कर रहा था, IUTR हो रहा था। तो एंटीवायरल थेरेपी थोड़ी जिसको चलाई थी 3 महीने के लिए, एसाइक्लोविर हर्पीज वाली, लेकिन उससे पेशेंट को फायदा बहुत मिला था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैम मैं ये सोचता हूँ गिलोय से ऊपर ना कोई भी त्रिदोषात्मक और कोई एंटीवायरल ड्रग है नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर, गिलोय और तुलसी से ऊपर। आप इनको चाहे इंटरनल दो। मैं तो ये सोचता हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम समझ ना आए, किसी को कुछ भी बीमारी समझ ना आए, उसको गिलोय दे दो और महामंजिष्ठादि वो दे दो, बात दे दो, उसमें आपकी 60-70% बीमारियां रिकवर हो जाती है। और दीपन पाचन दे दो, और दीपन, क्योंकि महामंजिष्ठिक वात के अंदर ना, क्योंकि रक्त रक्त से ही कितनी व्याधि होती है, उसमें कितने सारे 50 जड़ी बूटियां मैम महामंजिष्ठादि क्वाथ में। कोई नहीं कोई तो काम करेगी अपनी चीज, मतलब कुछ मरीज को ये कहने के बजाय मुझे कुछ नहीं पता, अब सारे लोगों के पास वो ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं है, पर ये नुकसान भी नहीं करेगी, और गिलोय तो सारी चीजों को भी ठीक करती है। यही सब गिलोय तो सोच हमें के प्रेगनेंसी और थोड़ा प्रीशियस प्रेगनेंसी थी, क्योंकि उसका उसके 3 या 4 अबॉर्शन हो चुके थे, तो इसलिए थोड़ा सा उसको हमने सेफली लेके रहा। लेकिन ये है कि ये केसेस बहुत कॉमनली मिलते हैं। जैसे आपने थूजा की जी बात की, तो उसने थूजा लगाया हुआ था उस पेशेंट ने, वो कहीं से दिखा भी करके आई थी, लेकिन उसको उसका जो भी हो प्रॉपरली डोज नहीं मिली हो या प्रॉपरली लोकली एप्लीकेशन नहीं मिला हो, लेकिन उसको दिखा के आई थी डॉक्टर को वहां पे, और उसको उसका मतलब बताया कि मैडम मैं ये दवा लगाती भी हूँ खाती भी हूँ, लेकिन साइज इसका जो है वो डाउन नहीं हुआ था। तो वैसे ये तो है मैम होम्यो का मैम एक फंडा है सबसे बड़ा। मैं बहुत बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया,
मेरे के फ्रेंड थे, उनके फादर को अल्सरेटिव कोलाइटिस था, उसको सारे स्टीरोइड 40,000 रुपए के भी 10 इंजेक्शन लगे उसको, दोस्त के फादर को, और उस होम्योपैथी वाले ने उसको 1 मंथ के अंदर, मतलब जो बेड रिटन पेशेंट था 20 सालों से, 1 मंथ के अंदर उसने उसको चला दिया। मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर से, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो मिलने की, चाहे वो अनपढ़ आदमी हो, पर उसके पास कोई ऐसी विद्या तो मैं उसको मिलने के लिए अगर आसपास हो तो मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने उसको बोला दोस्त को भी मैं, मेरे को मिलना है उस डॉक्टर साहब से, मैं फिर उसके साथ गया, मैं स्पेशल गया 400 किलोमीटर। तो उससे मैंने पूछा भाई आपकी दवाई का क्या फंड रहता है, तुम कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हो, भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। उसने एक मोटी बात बताई मैम, जो भी साल्ट होता है ना, जो भी मेडिसिन होती है, उसका मानसिक लक्षण अगर मरीज की बीमारी के साथ मिल जाए, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, मतलब होम्योपैथिक में कोई ट्रीट किसी रोग की कोई दवा नहीं होती, वो मानसिक लक्षणों की चिकित्सा के अकॉर्डिंग अगर दवाई देते हैं, चाहे उसको कैंसर हो चाहे जो मर्जी हो, वो उसी दवाई से ठीक हो जाता है। चाहे वो बड़ी बड़ी बीमारी है भी 20-20-30-30 रुपए की दवाई से ठीक हो जाती है, मानसिक लक्षण अगर मिल जाए। और मैं उसमें ना बड़ा कोशिश की है मैम उसमें घुसने की, समझने की, पर ज्यादा सफल तो नहीं हो पाता हूँ। ये मतलब मेरे को 30-40% तो कहीं ना कहीं मिलती है। वैसे हमारा अपना आयुर्वेद इतना रिच है ना सर, कि हमें अगर सच बात तो यही है कि अब बहुत रिच है और बहुत कुछ उसमें भी है, लेकिन ये कि कभी कभी पेशेंट भी और कंडीशंस भी सर जाती है कि चलो तो उसको कोई रूट ढूंढे या थोड़ा और वो करे, तो इसलिए फिर कभी कभी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैं तो इस फोरम से ये कहना चाहूंगी कि हमको 99% अपने आयुर्वेद पे इतना विश्वास करना चाहिए, और मेडिसिन की तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कोई कमी नहीं है, बहुत 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 मेडिसिन है, बस ये है कि युक्तिपूर्वक चिकित्सा हम कैसे करें उस पर हमें मैम। मैम इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एक महीने से ही तो पता लगा आयुर्वेद में ये कुछ ऐसे तरीके से चिकित्सा करनी चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था। ये दीपन पाचन वाला कंसेप्ट तो हमारे दिमाग में कोसों दूर भी नहीं था, क्योंकि हमने मैम सीखा ही नहीं वो दीपन पाचन वाला, अग्नि वाला कंसेप्ट नहीं सीखा, ये रस पाचक रक्त पाचक, ये तो मैम यही किसी प्लेटफॉर्म पे ही आके सीखे। मेरे को आयुर्वेद के बारे में जो सिर्फ पेटेंट प्रोडक्ट है ना व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा, उसी पे ही मैं सोचता था हर बार, दे दिया फिर सफल भी नहीं होते थे इतने अच्छी तरह। पर अब मैम अलग से व्यू चेंज हो गया है, तो अब मतलब अच्छा लगने लगा, अब तो मेरे को एलोपैथ का हाथ लगाने का भी मन नहीं करता, 90% मेडिसिन आयुर्वेद की ही होती है। और सबसे बड़ी बात मैम ये है ना, चाहे आयुर्वेद में आप 10 टेबलेट दे दो मरीज को कुछ नहीं होता, एलोपैथी में आप 3 गोली दे दो तो उसमें अगले दिन ही मरीज बोलता मेरे को फार आ गया, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, ये हो गया वो हो गया। हाँ लेकिन डोज यहाँ पर भी हम लोग को बहुत रेगुलराइज करके ही देना चाहिए, बिल्कुल पहले मतलब इजीली पैलेटेबल है मैम, मतलब लोगों को दिक्कत नहीं करता, सबके फायदे किसी हर दवा के फायदा हर दवा का नुकसान तो होता ही होता है। मैम मेरे को तो ना जब से मैं इससे जुड़ा हूँ आयुष दर्पण से, मेरे को तो किसी ने ये बोला नहीं मेरे को आराम नहीं आ रहा, और मेरे को किसी ने ये बोला नहीं ये दवाई सूट नहीं करी, सही बात है, कुछ है किसी ने कुछ वरदान है बोला, हाँ किसी ने नहीं बोला मैम, मतलब मेरे को ये दवाई सूट नहीं करी। मेरे पास एक ना हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स की डायरेक्टर है, उसके हस्बैंड एडवोकेट है, और उसके हस्बैंड को गाउटी अर्थराइटिस है, सोरियाटिक अर्थराइटिस, उसने मेरे नाम सुन के मेरे पास आया, उसकी वाइफ है वो ले गया दवाई, उसको बड़ा मैजिक रिजल्ट, और वो अपनी वाइफ को भी लेके आया। उसकी वाइफ सिंगल टेबलेट भी नहीं खाती थी, वो कहते थे भी एक गोली भी अगर उसने खा ली तो हमें तो महाभारत हो जाता था भाई, अब इसको क्या ट्रीटमेंट करे, मतलब नहीं खा सकती थी। और वो इतनी हैप्पी थी, मैंने उसको 4-4, 5-5 गोलियां भी एक खुराक में दी, और अपने साथ और भी स्पोर्ट्स के किसी मतलब कोच को लेके आई, सही बात, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। ठीक है सर, ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप जाया ना करो, सोना सोना सा हो जाता सब कुछ। नहीं मेरा असली में लैपटॉप अब वृद्धावस्था में आ गया है, मुझे अभी इसको ये मरने वाला है तो मुझे नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। मैकबुक लेना, मैकबुक जी जी 2 लाख रुपए का आएगा जी। बढ़िया रखो सर, जो कुछ भी रखो, अपने पेन पुन सब बढ़िया होना चाहिए एक नंबर का, ताकि पता लगे कुछ डॉक्टर है। थैंक यू, तो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं फिर मिलते हैं, थैंक यू।